बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जिस वक्त हफ़ज़ाबाद के लारी अड्डा में हूँ और ये कोचेस वगैरह आपको नज़र आ रही हैं, इधर ये सारा हफ़ज़ाबाद ही है। हफ़ज़ाबाद का लारी अड्डा इसे कह सकते हैं, सारा हफ़ज़ाबाद कैसे कह सकते हैं, और ये कह सकते हैं सारा हफ़ज़ाबाद इधर ही आता है लारी अड्डा में। इस वक्त मौजूद होगी ज़िला हाफिज़ाबाद, और सबसे पहले ये चीज़ मैं आपको दिखाने पा रहा हूँ, ये चीज़ चेक करें, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त नज़ारा है। और उसके बाद आप चेक करें, यह जामे मस्जिद आपको नज़र आ रही होगी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ी मस्जिद। ये देखें जी, मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है, ये है जी हफ़ज़ाबाद, और ये हफ़ज़ाबाद का मीज़ान बैंक है। देखें जी, ये सामने देखते जाएं आप वतन ऑटोज, आपको बताते चलें कि हाफिज़ आबाद एक बुज़ुर्ग हाफिज़ शेर मोहम्मद के नाम से मंसूब है, इस वजह से इसे हाफिज़ाबाद कहा जाता है। ये माशाल्लाह बड़ी बड़ी दुकानें हैं, ये देखें जी, सर्विस की दुकानें, इसके अलावा पेन फ्लैश की, इसे अल हदीद मार्केट कहा जाता है, गुजरांवाला रोड हाफिज़ाबाद, अल हदीद मार्केट। साइकिल का अभी माशाल्लाह दौर है, साइकिल पे लोग सफ़र करते हैं। ये शाहीन महर जहाल है,
कार ऑटो स्टोर। ये शायद हो सकता है मुस्तनसर हुसैन तारक का भी यही इलाका हो, कह सकते हैं, क्योंकि कोलू तारड़ का इलाका है वो भी यही है। माशाल्लाह जबरदस्त हो गया। ये जी बैंक ऑफ पंजाब है हाफिजाबाद का। जी अब हम वापस जा रहे हैं और चेक करते हैं कि ट्रेन किस वक्त आ रही है और कौन से शहर के लिए आ रही है, उसके बाद हमारी वापसी होगी। बहरहाल हाफिजाबाद में घूम के बड़ा मज़ा आया है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है। अब हम सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं जी। ये देखें ये हाफिजाबाद के गिरदनवा का मंजर है, हाफिजाबाद रेलवे स्टेशन के गिरदनवा का। नीचे म्यूज़िक भी लगा हुआ गालबन और जान साहब का। हाफिजाबाद का रेलवे स्टेशन माशाल्लाह। ये जी यादगार शहदा हाफिजाबाद है। ये देखें जी योम शहदा पुलिस, पंजाब फूड अथॉरिटी। इसकी दूसरी साइड पे सईद अरवी रोड है और ये हाफिजाबाद की एक यादगार जगह। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर। हम इस वक्त मौजूद हैं जिम खाना मैरिज हॉल हाफिजाबाद में और ये हमारे साथ हमारे दोस्त सलमान भाई, इनसे हम यहाँ मिलने आए हैं और इन्होंने अपना सब कुछ ये दिखा दिया है जो आपको नज़र आ रहा है। ये चेक करें जी, ये मैरिज हॉल है। बाकी उनके सामने उनके दोस्त भी खड़े हैं, ये भी आप देख सकते हैं। माशाल्लाह मेरे ख़्याल से हाफिजाबाद का एक मेरा अंदाज़ा है कि शायद सबसे अच्छा मैरिज हॉल होगा मेरे ख़्याल से, क्योंकि यहाँ मिलिट्री के लोग भी आते हैं और मेरे ख़्याल से इससे ज़्यादा और बात मैं नहीं कह सकता। और इसके अलावा कोई सियासी वगैरह भी ज़रूर आते होंगे। बहरहाल मुझे जहाँ के बहुत खुशी हुई और मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा जो हमारे हाफिजाबाद के दोस्त हैं
वो भी यहाँ आएँ और लुत्फ़ानंदोज़ हों। बाकी इसका एक अपना नाम है, एक मियार है, और जब भी आपका विज़िट हो आप यहाँ आ सकते हैं। ये जी अब ये अंदरूनी मंज़र था, अभी आपको बैरूनी मंज़र दिखाएंगे। जिम खाना, मैरिज हॉल, हाफिज़ आबाद। ये वैसे तो बहुत बड़ा है लेकिन हम सिर्फ यहाँ तक ही आए हैं जी। ये देखिए जी, ये आपको नज़र आ रहा है इस साइड पे। बस इतने मैंने कहा चलो इनका तारुफ करा दें। चलें सलमान भाई। बहुत शुक्रिया। ये नज़ारा चेक करें आप बाहर से, जिम खाना, मैरिज हॉल, हाफिज़ आबाद। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो हाफिज़ आबाद है ये हाफिज़ शेर महमूद साहब के नाम पे था। साफ ज़ाहिर है कोई मशहूर ही हस्ती हैं वो होंगी, क्योंकि अभी तो वो ज़िंदा नहीं हैं। और यकीन करें मुझे जहाँ के बहुत ही मज़ा आया है। ये देखें सिक्योरिटी का शायद इंतज़ाम है, सख्त है। सिक्योरिटी तो वैसे भी है लेकिन सख्त इंतज़ाम लगता है यहाँ। ये है दी मैरिज हॉल, जिम खाना, मैरिज हॉल, हाफिज़ आबाद। उधर ज़रा चले जाए उस साइड पे। वो कहते हैं कि नाम ही काफ़ी है, मुझे जिम खाना मैरिज हॉल का हाफिज़ आबाद में नाम भी काफ़ी है। ये देखें जी, ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।